ओके, कहानी का नाम है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। क्या है? द टेलर एंड हिज फ्रेंड। टेलर और उसका दोस्त, यानी दर्जी और उसका दोस्त, है ना? कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। कालू नाम का एक दर्जी था जिनका एक दुकान था नदी के किनारे, नदी के बिल्कुल पास। कहाँ पे था? नदी के पास। ठीक है, किसके पास था? नदी के पास। कौन है वो? कालू। कालू, कालू क्या था? कालू क्या था? टेलर, दर्जी, है ना? He made colorful pants and shirts for children. और वो जो है उसमें सिलाई का काम करता है, बहुत ही रंगीन तरह तरह के रंगों से बना हुआ पैंट्स और शर्ट बनाया करते थे, खास करके बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। फिर क्या हुआ? अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अप्पू नाम का एक हाथी था, उनका बहुत ही अच्छा दोस्त था, यानी जिगरी दोस्त था। क्या था? ओके, अप्पू क्या था वो? अप्पू क्या था? हाथी था, एलिफेंट था, है ना? किसका दोस्त था वो? किसका दोस्त था? हाँ, कालू का दोस्त था। आदमी और जानवर से दोस्ती हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। आपने अक्सर देखा होगा इंसान और जानवरों के बीच में दोस्ती बनाए रखते हुए। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। इसमें बोला है अप्पू जो है, यानी हाथी जो है, उसके दुकान पे, अपने दोस्त के दुकान पे रोज आया करते थे। कहाँ आते थे बेटा? किसके दुकान पे? कालू के दुकान पे। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। जैसे वो दुकान पे आते थे, कालू जो है यानी दर्जी अप्पू को खाने के लिए रोज अच्छे अच्छे चीज देता था। क्या देता था? अच्छे अच्छे चीजें देते थे खाने के लिए। किसके लिए देते थे? खाने के लिए, खाने की चीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले ए ट्रिक। एक दिन क्या हुआ, कालू ने एक चाल खेलने की प्लान, योजना बनाई। उसने सोचा कि क्यों ना हम अप्पू के साथ, यानी मेरे दोस्त हाथी के साथ एक चाल खेलूं। रोज तो इसको मैं देता हूं खाने के लिए, आज कुछ और नया कर देता हूं, यानी एक चाल खेलता हूं। ट्रिक मतलब चाल खेलना। ठीक है, ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट। तो उस दिन जो है अप्पू जैसे उसकी दुकान पे गया, कालू जो है अप्पू को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। समझ में आ रहा है यहां तक सबको? He took out his needle instead. तो कुछ खाना देने के बजाय उन्होंने क्या किया? अपने सुई को ही निकाल लिया। दर्जी के पास सुई होते हैं ना, मशीन पे सुई निकाल लिया एंड प्रिक अप्पू's ट्रंक। निकालने के बाद अप्पू के जो ट्रंक है सूंड पे घुसा दिया सुई को। ट्रंक मतलब सूंड। ट्रंक जानते हो? हाथी के जो सामने होते हैं वो सूंड होते हैं। हाथी का सारे ताकत वहीं पर ही होता है ना। कोई भी हाथी यानी एलिफेंट होता है अपने सूंड से ही काम करता है। सूंड नहीं होगा तो वो हाथी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हाथी को, बेचारा हाथी को जो है कालू ने सुई से क्या कर दिया? पिक कर दिया, यानी सुई से घुसा दिया ऐसे, है ना। अप्पू रैन अवे इन पेन। तो अप्पू को बहुत ज्यादा दर्द हुआ और बेचारा वो डर के मारे, इतना दर्द हुआ, वहां से दौड़ता हुआ चला गया। कौन चला गया? अप्पू चला गया। यहां तक समझ में आया? आया समझ में या नहीं? समझ में आ रहा है सबको? अप्पू वहां से चला गया बेचारा। टू डेज लेटर अप्पू केम डाउन टू द रिवर। दो दिन बाद ये सब होने के बाद, दो दिन बाद अप्पू ने फिर वापस लौट कर आया। दुकान पे नहीं, अभी कहाँ गया? डाउन द रिवर, यानी नदी पे ही गया। कहाँ पे गया बेटा? नदी पे। कौन गया? अप्पू। कौन गया? अप्पू। अप्पू कहाँ गया? नदी पे। नदी के किनारे गया, ये नदी के पास गया। एंड फील ही स्ट्रांग विथ वाटर। और वहां जाने के बाद अपने सूंड से पानी खूब भर लिया।
क्या भरा? अपने सूंड पे पानी भरा। हाथी लोग आपने कभी देखा है पानी भरते हुए सूंड से? किसने किसने देखा, हाथ उठाओ तो। किसने किसने देखा? सभी ने देखा होगा, ज्यादातर लोगों ने। अगर रियल में नहीं देखा, फिल्मों में तो देखा होगा, टीवी में वीडियोस में देखे होंगे, है ना। तो यहाँ पे अप्पू जो है, हाथी जो है, नदी पे जाने के बाद अपने सूंड पे बहुत सारा पानी उठा लिया। और एक चीज, हाथी पानी पीते हैं किससे? सूंड के जरिए पीते हैं ना, सूंड से उठा देते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। ऐसे देखा है? कितने लोगों ने देखा ऐसा? क्या बात है, खाना भी तो उसी से ही खाता है ना, सूंड से लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ अप्पू ने क्या किया बेटा? अपने सूंड से पानी ही भर लिया नदी से। फिर क्या किया? ही रीच कालू शॉप, और वो सीधा कहाँ गया? कालू के दुकान पे चला गया। पानी सबसे पहले भर लिया सूंड पे, और सीधा क्या, अपने दोस्त कालू के दुकान पे चला गया। फिर क्या हुआ? एंड थ्री वाटर एवरीवेयर, और वहां जाके सारे दुकान पे चारों तरफ से वो पानी छिड़क दिया, फेंक दिया जो सूंड से लेके गया। फिर क्या हुआ? ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकेम वेट। बेचारा वहां जो कौन था, कालू का जो दुकान पे जितने भी नए नए कपड़े थे सब भीग गए, भीग गए। समझ में आ रहा है ना बेटा? तुमने मेरे साथ क्या किया था, याद है ना? आप तुम्हारा बारी ले भाई, सारे के सारे नए कपड़े सब भिगो दिया, पानी छिड़क दिया। फिर क्या हुआ? अप्पू शूक ही स्ट्रांग एंड सेड, तो अप्पू ने अपने सूंड को हिलाया और कालू से कहा, दोस्त एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। कहा कि देखिए दोस्त, एक हाथी भले ही वो जानवर क्यों ना हो, लेकिन कोई भी चीज इतना आसानी से वो भूलता नहीं है। तुमने जो मेरे साथ किया मैंने वो भूला नहीं, इसलिए मैं ये करने आया हूँ। इसलिए तो कहते हैं जैसे करनी, क्या बोलते हैं, वैसे भरनी। जो जैसे करता है उसके साथ वैसा ही होता है ना। तब क्या हुआ, कालू से, कालू ने कहा, आई एम सॉरी अप्पू। तब कालू को जो है एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ये सब करके आपसे। मैं तो एक इंसान हूँ जो कि मैं समझदार हूँ, आप तो बेजुबान जानवर है, हाथी है ना, बोल नहीं सकते। फिर भी आप ये सब याद रखें, मुझे जो है आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो सॉरी बोला, माफ़ी मांगी। सॉरी दोस्त, मुझे जो है आपके साथ ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, माफ़ कर दीजिए दोस्त मुझे। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, क्यों ना हम फिर से एक अच्छे दोस्त बन जाए, कालू ने अप्पू से कहा। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। तब क्या हुआ, कालू और अप्पू दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समझ में आया सबको? कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाओ एक बार जल्दी फटाफट से, हाथ उठाओ सभी लोग, मैं चाहता हूँ सब लोग हाथ उठाए, सबको मैं पूछूंगा बाद में, क्लियर सबको? ऑल राइट, वेरी गुड।